डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अश्मंजू। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टर और मल्टीपल और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए है ये। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज के 5 अगस्त से, यानी कि कल से, हमारी सीटेट की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो रही है। थंबनेल पे आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में एड हो सकते हैं। तो देखेंगे हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर क्या है एंड मल्टीपल क्या है। तो फैक्टर्स देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर यानी के आद घटक। अगर हम 10 के फैक्टर्स को लेते हैं, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, यानी के कैन, यानी के 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो 10 किससे डिवाइड होगा, 1 से 2 से एंड 5 से, और 10 से, यानी कि 10 किससे डिवाइड होगा, 1 से 2 से 5 से और 10 से। तो ये सब क्या हो गए, इसके ये इसके हो गए आद या फिर फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स हो गए, यानी कि घटक। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल्स किसे कहते हैं। मल्टीपल मल्टीपल यानी के जरीब, यानी के विभिन्न। अब देखिए जरीब क्या होते हैं या मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 10, 10 एक नंबर है। अब 10 ये नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे नेचुरल नंबर से। जब हम इसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से 1 2 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी के तबई आदाद, जो तबई आदाद होते हैं ना, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अब हम लेंगे 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऐसी सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 10, 20, 30, 40। अब आगे ऐसी ही सीरीज चलेंगी, टोटल एक के बाद एक नंबर से हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये टेबल बन गया ना 10 का, ये क्या हो गया, 10 का टेबल, यानी कि 10 का पहाड़ा। तो जरीब क्या होते हैं, जो एक पूरा पहाड़ा बनता है, ठीक है, जो उसके पहाड़े में आते हैं। तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 20, 30, 40, 50, ठीक है, जो उसका नेचुरल नंबर से तबई आदा से जैसे जैसे हम उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लेंगे हम और उसे सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप से पूछे जाते हैं। तो टाइप 1, अब एक्चुअली इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो कभी कभी एलसीएम और एचसीएफ के साथ भी आ जाते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ सिक्स इन इन बिटवीन 1 to 125 के बीच में 6 के कितने मल्टीपल्स होंगे, यानी कि अगर आप 6 का टेबल बनाओ तो वो कितने पहाड़े में कितने वो अदद, कितने नंबर्स आएंगे। तो देखिए हमें क्या कंडीशन दी गई है, 1 to 125। अब इसके दो मेथड है, तो फर्स्ट मेथड हम देख लेंगे पहले शॉर्टकट वाला, और सेकेंड मेथड देखेंगे जो लॉन्ग है। दो मेथड है, दोनों ही मेथड हम देख लेंगे, पहला शॉर्टकट देखेंगे और फिर लॉन्ग वाला मेथड देखेंगे। तो शॉर्टकट में क्या है कि यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 125, तो 125 ये 6 से डिवाइड होता है क्या, देख लीजिए, नहीं होता। उसके बाद है 124, ये भी नहीं होगा 6 से डिवाइड, 123 भी नहीं होगा, 122 भी नहीं होगा, 121 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 के मल्टीपल पूछे ना, तो ये तो नहीं होंगे। अब देखेंगे 120 होता है क्या, तो 120 6 से डिवाइड होता है क्या, हम देख लेंगे।
ये तो होता है, कंप्लीटली पूरी तरह से हो जाएगा। 6 1 6, 6 2 12 एंड 0 क्या आ गया, 20। 6 2 12 0 जैसे के वैसे, यानी कि 20, 20 आ गया। तो कितने मल्टीपल्स होंगे टोटल, 20 मल्टीपल होंगे। यानी कि अगर हम 6 का पहाड़ा बनाते हैं, 6 का टेबल बनाते हैं, तो 1 से तो 125 तक उसका अगर हम टेबल बनाएंगे तो कितने मल्टीपल्स मिलेंगे हमें, 20 मल्टीपल्स मिलेंगे। ठीक है, 6 का हम पहाड़ा बनाएंगे तो कितने जरीब बनेंगे उसके, 6। अब देखिए सेकंड मेथड जो है ये फॉर्मूले वाला मेथड है। फॉर्मूला इसका होता है लास्ट नंबर में से माइनस करते हैं हम फर्स्ट, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को हम माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं उनके डिफरेंस से और ऐड कर देते हैं वन को। तो अब देखिए हम, हमें क्या है मिलेगा, लास्ट नंबर। अब लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 125 क्या है, लास्ट नंबर है। लेकिन ये लास्ट नंबर जो है 125, ये तो 6 से डिवाइड नहीं होता। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वो नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा, तो वही हमारा लास्ट नंबर रहेगा। अब 125 से 121 तक तो कोई भी डिवाइड नहीं होते, 120 डिवाइड हो जाता है 6 से, तो लास्ट नंबर क्या होगा हमारा, 120 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि 6 1 6, यानी कि 6 ही हमारा फर्स्ट नंबर रहेगा। जो नंबर का टेबल हम ले रहे हैं वही तो हमारा फर्स्ट नंबर रहता है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 6 अपॉन। अब डिफरेंस कितना है देखिए, अगर हम 6 का टेबल बनाए, 6 12, तो इनमें डिफरेंस देखिए कितने का आएगा, 6 से 12 के बीच में 6 का, 12 टू 18 के बीच में 6 का, 18 टू 24 के बीच में 6 का, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का आएगा, जाहिर बात है 6 का ही आएगा। तो ये 6 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 114 अपॉन 6 प्लस 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 114 प्लस 6 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी अपॉन 6, 120 अपॉन 6, यानी कि कितना, 20। वही आया देखिए, अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं, तो ये सेकंड मेथड है जो लॉन्ग है, जो अगर आपको समझना है तो। अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ भी आंसर आ गया डायरेक्ट, तो शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, ये मेथड बेस्ट रहेगा अगर आप शॉर्टकट से जाना चाहते हैं तो। तो ये एक टाइप है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि अदर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ मल्टीपल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादातर अगर हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखें तो एलसीएम और एचसीएफ के साथ भी इसे पूछा जाता है। अब देखेंगे हम कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है, सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप में पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा और पूछते हैं कि उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। देखिए कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, के फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। अब हम सिंपल एक छोटे नंबर से बता देंगे उसे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए पहले, 10। तो अब 10 के देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। अब दो मेथड है, अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होंगे तो आप इसको इजीली कर सकेंगे। तो दो मेथड है, दोनों ही मेथड हम कर लेंगे। फर्स्ट मेथड के डिविजिबिलिटी के रूल्स के हिसाब से कर लो कि 10 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 5 से एंड 10 से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4, आंसर हो गया 4। अब अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पता नहीं है, तकसीम की कसौटी अगर आपको पता नहीं है तो फिर हार्ड हो जाएगा ना, तो उसके लिए कौन सा मेथड है हम देख लेते।
अगर डिविजिबिलिटी के रूल्स पता है तो ये मेथड आप यूज कर लेना, ये बहुत ही इजी जाएगा आपको, वरना फिर दूसरा देख लीजिए मेथड। अगर आपको ये नहीं पता है तो पहले 10 के एग्जाइज अर्ज कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से होगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 10 इक्वल टू 2 × 5। अब देखिए ये 2 × 5 आया, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, कुव्वत क्या है, एक एक है। अगर यहाँ पे 2 × 2 आता तो 2 की पावर 2 होती थी, अगर 5 × 5 आ जाता तो 5 की पावर 3 हो जाती थी, है ना। यहाँ तो क्योंकि 1 1 टाइम ही है तो 2 की पावर 1 × 2 की पावर 2। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि जो भी पावर है, अब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल होता है पावर प्लस 1 × पावर प्लस 1 × ऐसे कंटिन्यूअसली आप जितने भी नंबर हैं उनके लिए ऐसे ही लेते हुए चले जाइए। तो पावर सबसे पहले 2 को लीजिए, तो 2 की पावर क्या है, 1, तो 1 + 1 × अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 5, तो 5 की पावर क्या है, 1, तो 1 + 1। अगर 5 की पावर 2 होता तो यहाँ आता 2 + 1, 5 की पावर 5 होता तो आता 5 + 1, 2 × 2 यानी कि 4। तो देखिए आंसर आ गया हमारा 4, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। अब आप पर है, देखिए डिविजिबिलिटी के रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप महाटीटी देख लीजिए, सीटेट देख लीजिए या टाइट एग्जाम के लिए देख लीजिए, आपके लिए अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छा करना है आपको, आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं। अगर रूल्स पता है, अब यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ जाए तो फिर आपको वो रूल्स पता होना चाहिए, है ना। तो दो मेथड है, एक ये मेथड है एंड ये सेकेंड मेथड है, अब आपको जो पसंद आता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। अब देखिए और एक जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या होता है, अब ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब एक पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर। टाइप थर्ड, सम ऑफ फैक्टर्स, सम यानी कि क्या, जमा, सम यानी के एडिशन, जमा। अब सम ऑफ फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे, तो क्वेश्चन है अगर आपको के फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 के, 36 के जितने भी फैक्टर्स है तो उसका सम क्या होगा, ये अगर मालूम करने के लिए बोला जाए, सम ऑफ फैक्टर मालूम करने के लिए बोला जाए तो हम क्या यूज करते। तो देखिए सम के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अजायज अरबी निकाल लेंगे 36 के, 2 से करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 ऐसे लेते हैं, फिर इंटू दूसरा जो भी नंबर है उसकी पावर 0 प्लस उसकी पावर 1 ऐसे आगे एडिशन के साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 है तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 है ना, तो हम 2 तक जाएंगे, तो x की पावर 0 यानी कि यहाँ पे बेस क्या है, असास क्या है, 2, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू नेक्स्ट क्या है, 3, और 3 की पावर क्या है, 2, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 ये हो जाएगा 1। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो 2 की पावर 0 यानी कि क्या, 1,
फिर 2 की पावर 1 यानी के 2 ही, और 2 की पावर 2 यानी के 4 इंटू 3 की पावर 0 मीन्स 1, 3 की पावर 1 मीन्स 3, और 3 की पावर 2 यानी के 9। अब इनका एडिशन कर लेंगे, ये 6 और ये 7 इंटू 10 एंड ये 13। अब ये हो जाएगा 7 या 21, 2 बचे, 7 एकम 7 और 2 9। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सम क्या आएगा इसका, 91। तो ये है सम ऑफ फैक्टर्स। आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर आप चाहे तो इनका भी सम करके देख ले सकते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 टाइप थे, उसके अलावा इसके साथ और जो टाइप आते हैं वो LCM और HCF को लेकर आते हैं। ज्यादातर ये 3 पर ही पूछा जाता है, सम ऑफ फैक्टर्स मालूम करने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स मालूम करने के लिए पूछा जाता है, या फिर कोई नंबर किसी नंबर के बीच में है तो ये मालूम करने के लिए पूछा जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था पेपर फर्स्ट के लिए। फिर अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ कि 5 अगस्त से यानी कि कल से ही हमारी CTET की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। टीचमेंट ऐप पर होंगी, टीचमेंट ऐप पर है ऑनलाइन वालों के लिए, और ऑफलाइन के लिए जो हमारा एड्रेस है उस पर ऑफलाइन होंगी, जो एड्रेस है वहाँ ऑफलाइन होंगी। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए टीचमेंट सबसे पहला कि टीचमेंट ऐप पर ये होंगी, तो यहाँ पे डेली के वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये जब तक एग्जाम रहेंगे, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे और लाइव लेक्चर रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे लाइव, जो हमारा टाइमिंग है तो लाइव लेक्चर के टाइमिंग पर वो रहेंगे। जैसे कि टाइमिंग है हमारा 4:30 to 7 PM, तो यहाँ इस टाइम पर लाइव लेक्चर रहेगा और बाद में वो रिकॉर्ड हो जाएंगे आपके एग्जाम तक। हम नोट्स, हमारे टोटल नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, पेपर टोटल पेपर सॉल्व करेंगे, और लास्ट में टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, और उसके बाद रिवीजन होगा आपका। या तो रिवीजन हम पहले ले लेंगे फिर टेस्ट सीरीज रख लेंगे, या फिर पहले टेस्ट सीरीज रख लेंगे कि ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ आप पीछे रह रहे हैं। वैसे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कंसेप्ट इतनी क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम लास्ट में यहाँ पे रिवीजन, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें कंडक्ट करेंगे। थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आया है तो ये तो बोलने की बात है ही नहीं, लेकिन तो भी एक बार कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और एक चीज़ के महाटीटी के लिए जो कल एक लिस्ट आ चुकी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सीटेट में इस टाइम, इनकेस अगर आप लास्ट टाइम भी दिए होंगे और नहीं क्लियर हुए होंगे, तो इस बार आप क्लियर हो जाओ ताकि आपको टाइट का जो चांस है वो मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।